अर्ज किया है, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, रीडर्स बुक शॉप में आपका फिर से स्वागत है और आज की चर्चा रिच डैड पुअर डैड पर है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि रिच बनने की सोचते हैं, रिच बनने की ठानते हैं, अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है। तो उनके अनुसार अमीरी के राह में ऐसी 5 बाधाएं हैं जो लोगों को रोकती हैं आगे बढ़ने से। सो पहला कारण है डर, पैसा खोने के डर से पार पाना। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वो अपने जिंदगी में न जाने कितने अमीर लोगों से मिले हैं जिन्हें पैसे का नुकसान हुआ है पर वो फिर भी अमीर है, पर ऐसे एक भी गरीब इंसान से नहीं मिले हैं जिसने अपनी एक भी दमड़ी खोई है। अमीर बनने की राह में, इन्वेस्टमेंट की राह में पैसा खो जाने का डर बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है। ये हर इंसान को होता है, अमीरों को भी होता है, गरीबों को भी होता है। पर प्रॉब्लम डर नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप डर का सामना किस तरह से कर, पैसा खोने के बाद या पैसा खोने के बाद के स्थिति से, उसके सिचुएशन से किस तरह से बाहर आते हैं, आप अपनी असफलताओं से किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके लाइफ में पैसे के बारे में नहीं है बल्कि हर चीज के बारे में है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का जो अंतर होता है वो बस यही होता है कि अमीर आदमी अपने डर से किस तरह से जीतता है और गरीब आदमी अपने डर से किस तरह से हार जाता है। लोगों के पैसा खोने का डर ही वैसा ही है जैसा कि मोटरसाइकिल से गिरने पर चोट लगने का डर। उस चोट लगने के डर से ज्यादा एक्साइटमेंट उस बाइक को चलाने में होता है, उस एक्साइटमेंट में, उस खुशी में बाइक चलाना सीख लेते हैं। ठीक वैसे ही पैसे खोने के डर से ज्यादा उसे अर्न करने की खुशी। आप धीरे धीरे प्लान बी में एसेट्स पर ध्यान देंगे, उन्हें खरीदेंगे और एक वक्त पर अमीर बन जाएंगे। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।